का, ये है आपके लिए इस समय का व्यू इंटेलेक्ट डिजाइन पर। अच्छा, डिक्सन टेक के लिए एक अपडेट आ रहा है कि भारत में मोबाइल फोन के लिए शाओमी इंडिया के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव यहाँ पर आ रहा है और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करेगा डिक्सन टेक शाओमी के साथ। शाओमी आपको याद होगा एक बड़ा एंड्रॉयड प्लेयर है विश्व भर में, दरअसल इसकी जो फॉलोइंग है और यूजेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डिक्सन टेक भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार कर रहा है शाओमी के साथ। 180 रुपए की बढ़त आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये दूसरा नाम है डिक्सन टेक का, आज 3% की बढ़िया तेजी भी है यहाँ पर। इसमें क्या करें, एक लंबा नंबर्स के बाद चला, नंबर से पहले चला, फिर उसके बाद सस्टेन की तेजी को होल्ड किया, वापस तेजी पकड़ रहा है, 3500 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट भी था, क्या करें इसमें? देखिए, ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, जिस तरह का निफ्टी में करेक्शन है, एक चीज मैं आशीष आपको बोलना चाहूंगा कि FIS की जो ओवरऑल लॉन्ग्स थे इंडेक्स में 61% पे आ गए, मुझे लगता है शायद वो करेक्ट होकर 50% पे आएंगे। जितने भी स्टॉक्स में मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है वहां पर एक छोटा सा हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कोई बना हुआ है तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करें, एक स्टॉप लॉस रखें करीब 3670 के लेवल पर और इस मूव को कंटिन्यू करें। अगर दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है तो शायद इसमें आपको 4050 और ऊपर की तरफ 4327 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत कॉशियस अप्रोच रखें। वो सारे स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है, जो अच्छा खासा चल चुके हैं, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको शायद देखने को मिल सकती है, अगर अगर और अनवाइंडिंग हमको FII की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिलती है। एक कमोडिटी बेस्ड